वैदिक गणित की वैकल्पिक विधियों को बढ़ाते हुए हम यहाँ पर आते हैं वर्ग ज्ञात करने की विधियों के अंतर्गत। जो सूत्र हमने पढ़े थे 16 और होते हैं उनमें से एक यही था कि यावत ऊनम तावत ऊनी और कृत्य वर्गम च योजयेत, अर्थात जितना कम है उतना कम करके और फिर विचलन को जोड़ दीजिए, इसका मतलब ये था। तो इसका प्रयोग करके सीधे एक पंक्ति में हल करना है तो उत्तर की जांच करना है। तो सूत्र का इस्तेमाल तो हमने सीख लिया था, अभी इसका जांच करने का भी सीखना था। तो जांच करने के लिए हमें एक शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, बीजांक। अब बीजांक क्या होता है, बीजांक एक बार समझ लेते हैं। दरअसल बीजांक बोलते हैं जो शुरू शुरू की जो हमारी जो गणित के जो चिन्ह होते हैं, प्राकृतिक चिन्ह। प्राकृतिक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये बीजांक कहलाते हैं। बस समझ में आ रही। तो जब हम हल करेंगे तो जैसे मान के चलिए कोई चीज दिया हुआ है 12, तो यदि 12 का वर्ग निकालना है तो 12 का वर्ग कितना हो जाता है, 2 और 1 का बीजांक, इसका बीजांक निकालेंगे तो यानी 1 धन 2, अर्थात ये बन गया 3 का वर्ग, ठीक है। अब इसका जो भी निकलता है, सपोज मान लीजिए 12, 12, 144 निकलता है, तो इसका भी बीजांक और इसका भी 3 का वर्ग 9, यानी इसका बीजांक आ गया 9, इसका भी बीजांक 9 आना चाहिए। तो इसका 1 धन 4 धन 4 अर्थात 4, 4, 8, 1, 9, ये दोनों बीजांक अगर बराबर हो जाते हैं तो ये इसका वर्ग साबित हो जाता है। ऐसा हम जांच करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं इसका बीजांक भी निकालना। तो एक आध प्रश्न उठाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, तो ये रहा हमारा प्रश्न। तो ये प्रश्न करना है और ये कुछ कुछ प्रश्न, 5-5 प्रश्न उठाते हैं। पहला दिया हुआ है 12 का वर्ग, दूसरा दिया हुआ है 13 का वर्ग, फिर तीसरा दिया हुआ है ये दूसरा ही, और ये तीसरे में दिया हुआ है 14 का वर्ग, चौथे में दिया हुआ है 98 का वर्ग, और पांचवे में दिया हुआ है 96 का वर्ग, ठीक है। इसको लेते हैं पहले 12 का वर्ग। तो विधि वही है, काम करने का तौर तरीका। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका वर्ग, यानी इसका हम सूत्र लिख लेते हैं। ये होता क्या था, तो सूत्र होता था इसका संख्या का वर्ग, यानी जो भी संख्या दी है उसका वर्ग बराबर होता है जो हमारी संख्या होगी वो लिखना पड़ेगा। फिर संख्या के साथ धन या ऋण, मतलब ये आधार से ऊपर है या नीचे है, तो उसको जितना आधार से ऊपर है या नीचे है उसको हमने एक शब्द इस्तेमाल किया था विचलन, और ये एक पक्ष हो जाता है बायां पक्ष, और जो उसका दाहिना पक्ष आता है वो जो ये विचलन हुआ करता है इसका वर्ग करके जोड़ देना। जोड़ना क्या है, इकट्ठा लगा देना है बस, यानी इन दो सारे के सारे चीजों को मिला देना, ये हमारा सूत्र था। तो उठाते हैं पहला, और यहाँ लिखेंगे जांच और यहाँ पर लिखेंगे ये। तो यहाँ शुरू करेंगे जांच वाला सिस्टम और यहाँ पर लिखेंगे हल वाला सिस्टम, ठीक, क्योंकि दोनों चीजें हमें एक साथ करनी है। तो 12 का ले रहे हैं, तो संख्या का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग, ये देखिए ये 12 और इसका वर्ग, संख्या का वर्ग बराबर संख्या, संख्या कितनी है 12, और विचलन, विचलन मैंने बताया था कि आधार से कितना जाता है, आधार या तो 10 बनता है या 100 बनता है या 1000 बनता है, तो 10 यहां पर आधार पहला, क्योंकि 2 अंक की संख्या है तो आधार भी 10 ही बनेगा, हालांकि 50 के ऊपर होगा तो फिर आगे वाला आधार 100 के आसपास लेंगे। तो आधार कितना बनेगा 10, तो 10 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, तो विचलन कितना बना, विचलन भी 2 बना, यानी 2 का वर्ग। चाहे यहां लिख लीजिए आधार जो हमारा निकला है वो कितना है 10, और विचलन कितना है, विचलन हमारा है 2। दो चीजें हमारे को निकाल के रखनी पड़ेगी पहले।
अब जैसे ये हो जाता है, ये हमको अंडरस्टूड रखना है, एक आध बार लिखेंगे बार बार नहीं लिखेंगे, आपको समझ में आ ही चुका होगा पहले से। तो आधार ये था, विचलन ये था, हमारा यहां पर आधार से कोई लेना देना नहीं, यहां पर केवल इतने से मतलब है, आप इसको उतारिए। तो ये हो जाएगा जी 12 का वर्ग बराबर 12 2 14, और ये बायां पक्ष हो गया दाहिना पक्ष, 2 2 4, अब इनको मिला के लिख दीजिए, तो ये बन गया 12 का वर्ग बराबर 144। ये हमारा आंसर निकला। अब ये सही है या नहीं ये जांच भी करना है, तो जांच के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ग का बीजांक बराबर जो वर्ग आया है उसके अंकों का बीजांक, बस समझ में, यानी 12 स्क्वायर का बीजांक, ठीक है, बराबर उत्तर का बीजांक, बराबर उत्तर का बीजांक, ये हम अगर बराबर दोनों यानी इस घर का बीजांक और इधर का बीजांक बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 के वर्ग का 12 में कितना है, 1 और 2 है, तो 1 और 2 का वर्ग इधर कितना है, 1 4 4, तो 1 धन 4 धन 4, 2 और 1 3, 3 का वर्ग इधर देखिए 4 4 8 1 9, ये 9 आ गया, अभी इसका बाकी था, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9। दोनों के बीजांक बराबर है, यानी इसके वर्ग का बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक अगर दोनों बराबर हैं तो ये हमारी संख्या सही मानी जाती है। ये पहला हो गया, अब इसको लेते हैं 13 को, तो इसको उठा उड़ाइए। तब लेते हैं ये 13, 13 का वर्ग, यानी संख्या का वर्ग, इधर जांच करेंगे इधर भी करेंगे, तो 13 का वर्ग यानी संख्या का वर्ग, अभी क्या करें, सीधे एक पंक्ति में हल करके उत्तर की जांच करना है, तो सीधे एक पंक्ति में, अब हम विचलन तो समझ ही गए हैं, संख्या अर्थात 13, विचलन कितना होगा 10 से कितना ज्यादा दिख रहा है हमें, 3 ज्यादा दिख रहा है, तो विचलन का वर्ग अर्थात 3 का वर्ग, अब हम बार बार नहीं लिखेंगे अब क्योंकि हमको सीधा आंसर देना है, ठीक है ना। तो 13 3 16 बायां पक्ष और 3 3 9, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 169, यानी 13 का वर्ग होता है 169। जांच भी करके देख लेते हैं, यहां जांच लिखते हैं, जांच में क्या था, इसके वर्ग का बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक, कैसे लिखेंगे, संख्या का बीजांक, संख्या का बीजांक बराबर संख्या के बीजांक, ठीक है, संख्या का बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक, उत्तर का बीजांक। अब देखिए संख्या कितना था, 13 का वर्ग बराबर 1 धन 6 धन 9, तो संख्या का बीजांक यानी इसका बीजांक का वर्ग ऐसा था, ठीक है, इसका जो भी बीजांक निकला था, तो 3 और 1 1 धन 3 का वर्ग अर्थात 4 का वर्ग, 1 धन 3 कितना हो गया 4, तो 4 का वर्ग अर्थात 16, और 16 को जोड़ेंगे 1 धन 6 बराबर 7, इधर भी देखेंगे 9 6 15 और 1 16, 16 निकला ना ऐसे, तो 1 धन 6 बराबर 7, अर्थात ये दोनों का बीजांक बराबर निकला, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। इसी तरह इसका 14 का निकाल लीजिए, ये रख लेते हैं, इधर कुछ हटाते जाते हैं, बाकी ये वही आ जाएगा, ठीक।
इतना बचा लेते हैं, इसको बार बार लिखना पड़ेगा, जो बार बार लिखना है उसको रख लेते हैं और हल करते चलते हैं। 14, तो 14 का वर्ग बराबर बीजांक यानी 10, पहले है 14 संख्या, संख्या का विचलन कितना है, 4 ज्यादा है, और दूसरा पक्ष है 4 का वर्ग, ठीक। तो 14 4 18 और 4 का वर्ग 16, एक बार ध्यान रखना है, ये आधार कितना था ध्यान रखना, यहां पर एक बार फिर से समझ लीजिए, आधार यहां पर है 10, 10 में कितना है, 1 शून्य है, ध्यान रखिएगा, और विचलन हमारा निकला है 4, तो जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक लगाते हैं, तो दूसरा अंक जैसे इधर 1 6 बचेगा तो ये 1 इधर आके जुड़ जाता है, यानी 1 8 में से 1 इधर आ जाएगा, इधर केवल 6 बचेगा, क्यों, क्योंकि आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक इधर रहते हैं। तो यहां पर 4 का वर्ग 16 आ गया, 16 का मतलब ये हो गया कि ये जो 1 शून्य था तो 1 6 बचेगा, 1 1 जो है उधर उठ के आ जाएगा इधर, तो कितना हो गया 8 और 1 9, तो ये बन गया 18 और 1 19 और इधर से आ गया 6, यानी कि 14 का वर्ग निकालेंगे तो ये संख्या हमारी आ गई, 14 का वर्ग कितना आ गया 196। अब बीजांक इसका उत्तर जांच कर लीजिए, तो संख्या का बीजांक, संख्या का बीजांक यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए 1 धन 4, अब 14 है तो ऐसे सीधा लिख लीजिए, अब तो आप प्रैक्टिस में आ गए, इन दोनों के वर्ग का, तो 4 और 1 5, यानी कि ये 5 का वर्ग बन गया, ठीक है, बराबर उत्तर का बीजांक, उत्तर कितना है 1 धन 9 धन 6, ये सीधा बीजांक है, अभी इसको हल करना है, तो 5 का वर्ग आ गया 25, तो 25 को कैसे लिखा जाएगा 2 धन 5, 2 धन 5 अर्थात 7, ठीक है, बात समझ रहे हैं, 5 का वर्ग 25, 25 का मतलब हुए 2 और 5, जब तक बीजांक मतलब 1 से लेकर 9 तक के अंक नहीं आ जाएंगे तब तक बीजांक नहीं कहलाएगा, और दहाई में आ गया तो बीजांक नहीं है वो, फिर एक संख्या आ गया अंक हो जाता है, ठीक है ना, वो बीजांक नहीं है, तो इसको जोड़ दीजिए 9 6 15 और 1 16, यानी 1 धन 6 कितना होता है 7, तो ये देखिए 7 बराबर 7, यानी कि संख्या का जो बीजांक का वर्ग है उसका बीजांक और धन उत्तर का बीजांक दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये जब ये दोनों बीजांक सही है तो इससे हमारी जांच हो जाती है कि हमने ये सही किया हुआ है, ये वैदिक गणित है। अब ये देखिए 98 का लेते हैं इसका, तो इतना बचा लेते हैं और इसको हटा देते हैं, चलिए चलिए, अब ये 3 हो गए, ये वाला लेते हैं 98, तो संख्या कितनी है 98 का वर्ग, यानी अब इसका आधार देख लीजिए कितना है, यहाँ पर आधार बनेगा कल 100, यहाँ लिख लीजिए चाहे, तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं आधार, आधार बनेगा क्योंकि 98 के नजदीक 100 है, और विचलन कितना है, विचलन कितना है 100 में से 2 कम है, ये ऋण 2 बनेगा विचलन, ठीक है, तो संख्या अर्थात 98 धन या ऋण, धन या ऋण चूंकि विचलन 2 में है तो 2 घटेगा, 2 और कम होंगे, तो विचलन संख्या धन या ऋण विचलन, तो यहां पर ऋण चूंकि विचलन में ऋण है तो यहां पर विचलन आ गया, और विचलन का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए बस वही तरीका वही था, तो ये हो जाएगा 98 का वर्ग बराबर 98 में से 2 कम कर दिया तो और आ गया ये 96, और 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 0 4 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आधार में 2 अंक हैं, तो इकाई यहाँ पे 2 का वर्ग 4 आ रहा है, ठीक है ना, तो हमको ये कितने 2 अंक है तो 2 अंक बनाने यहाँ भी है, तो 1 अंक तो आ रहा है, 1 शून्य बाई तरफ अपने जोड़ लेना, दाहिनी तरफ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो फिर 40 बन जाएगा, तो 4 कहलाएगा जितने अंक बाएं तरफ जोड़ेंगे, तो देख लीजिए अब इधर से कुछ इधर तो जा ही नहीं रहा है क्योंकि 0 लेके आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा 98 का जो वर्ग आ जाएगा
इसका जवाब हो जाएगा 96.04। अब जरा इसका जांच भी कर लीजिए। तो संख्या का बीजांक यानी 9 धन 8 का पहले इसके वर्ग का भी इसका वर्ग करेंगे, फिर इधर निकला क्या था 9 धन 6 धन 0 धन 4, ये उत्तर का बीजांक है। ठीक है, अब 9 8 कितना होता है, 9 8 होता है 17, अभी इस खत्म नहीं हुआ है। 17 का मतलब होता है 1 धन 7, तो 1 धन 7 का हो गया हमारा 8, 1 धन 7 कितना हो गया यानी 8 का वर्ग आ गया ये, अभी 8 का वर्ग आया। ठीक है, अभी इसको भी जोड़ लीजिए, पहले 9 6 15 15 4 19, इसका भी जांच आया 19, अभी इसका ये बढ़ रहा है अभी, तो 8 8 64, और इधर कितना आया था 1 धन 9। देखिए बीजांक निकालना है, जब तक 2 या 3 अंक है उनको लाके हमको 1 अंक तक लाना है, तो 64 में 6 धन 4 हो जाएंगे, तो अभी 6 धन 4 कितना हो गया है 10, 10 का मतलब हो गया 1 धन 0, ये भी 10 का मतलब हो गया 1 धन 0, इसका मतलब 1, इसका मतलब 1, 1 में 0 जोड़ेंगे। जब दोनों के बीजांक बराबर हो जाएंगे तो हम मान लेते हैं कि ये संख्या जो सवाल हमने किया है वो सही है। एक वो लेते हैं 96 वाला 5वां नंबर का, बस समझ पा रहे हैं, सब सवाल सही है, बस आपको ध्यान रखना है। यहां से शुरू करते हैं, अब लेते हैं 96 का, तो ये है 96 का वर्ग, तो वही तरीका, संख्या यानी कि 96, धन या ऋण विचलन तो आधार लिखिए पहले, आधार है 100, क्योंकि 100 के नजदीक है, और विचलन कितना है, विचलन चूंकि 96 जो है 100 से कम है, तो विचलन कितना कम है 4 कम है, तो 4 कम है, कम माने ऋण, ज्यादा होता तो धन का चिन्ह लगता है, तो जब कम है तो यहां पर कम कर दीजिए, जितना कम है उतना और कम करके, और फिर जो विचलन आता है उसका वर्ग करके जोड़ दीजिए नहीं, उसको चिपका दीजिए। ये हमारा तरीका होता है सूत्र के आधार पर। अब 96 का वर्ग, तो ये लिख लीजिए, ये रहा 96 का वर्ग। अब 96 में से 4 और कम कर दीजिए, 96 में से 4 कम कर दिया जाते हो, ये बन गया 92, और 4 का वर्ग 4 चौके 16, अब 2 अंक आ गए, क्योंकि 2 अंक है तो अब इधर कुछ जुड़ते तो रहा नहीं, क्योंकि 2 अंक है हमारे पास। ठीक है, जब 2 अंक है तो पूरी का पूरा उतार दीजिए, ये हो जाएगा 92 और 16, और इधर आ जाएगा 96 का वर्ग। ये तो इधर का हमारा हल हुआ, अब ये सही है कि नहीं इसकी जांच किससे करेंगे, हम बीजांकों से करेंगे। ये रहा संख्या का बीजांक, संख्या का बीजांक यानी 9 धन 6 का वर्ग, तो ये रहा 96, 96 को अब हम एस कैसे लिखेंगे, 9 धन 6 का वर्ग का बीजांक, इसके बीजांकों का उत्तर 9 2 1 6, तो इसके बीजांक बन रहे हैं 9 2 और ये 1 और ये 6, इनके जोड़ इनके इनसे बीजांक निकलेगा, तो 9 6 आता है 15, और इसका आता है 6 1 7, 6 1 7 2 9 9 18, यानी कि ऐसा बना 18 का मतलब हो गया अभी 1 और 2 8 फिर से जुड़ेंगे, और इधर 1 और 5 जुड़ेंगे, 1 और 5 जुड़ के बन गया 6, अब इधर 6 का वर्ग, अब ये 8 और 1 9, इसका बीजांक तो निकला है, अभी इसका नहीं निकला, इसको फिर से हल करिए, तो 6 का वर्ग होता है 36, और इधर अभी 9 इधर का तो हो चुका है काम, तो 36 को कैसे लेंगे, 3 धन 6 अर्थात 9, और इधर भी 9 पहले से आ चुका है, ये बीजांक बराबर है, इसका मतलब ये उत्तर सही है। इस तरह हमको इसका जांच करना है। लेते हैं कुछ और सवाल। तब ये लेते हैं 6वां नंबर, 94 का वर्ग, और तरीका वही है, तो पहला ये 6वां लेते हैं, 94 का वर्ग अर्थात संख्या का वर्ग, संख्या यानी 94, अर्थात ये रहा हमारा 94, 94 का वर्ग, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, पहले हल लिख लेते हैं फिर इधर इधर इसकी जांच, इधर करेंगे हल और इधर करेंगे
जांच। बीच लाइन लिख देते, संख्या यहां उतारेंगे, इसका हल करेंगे, इसकी यहां जांच किया करेंगे। तो ये रहा 94, 94 का वर्ग। 94 का वर्ग हमें सबसे पहले क्या क्या निकालना पड़ता है, एक तो हमें आधार यदि पता चल जाए और विचलन, दो चीजें हमें ये ज्ञात करनी। और जांच में क्या क्या करना पड़ता है, जांच में ये करना पड़ता है कि जो संख्या है, संख्या का बीजांक, इसका वर्ग का बीजांक, यानी कि जो वर्ग निकलता है उसका भी बीजांक लिखते हैं, बराबर उत्तर में जो अंक आता है उत्तर का बीजांक, उत्तर का बीजांक। ये तो हमारा तरीका होता है। तो शुरू करते हैं, आधार कितना है इसका, 94 जब लेंगे तो 94 का आधार निकलेगा हमारा 100। विचलन कितना निकला, देखो 100 से कम है तो कितना कम है, 6 कम है, ये लिख लिया। दो चीजें हमारे को पकड़ में आ जाती है, तब फिर आगे हल होता है। तो 94 का वर्ग लिखते हैं, तो ये हमारा रहा 94 का वर्ग। तो सबसे पहले संख्या, संख्या मतलब हो गई 94, कम है या ज्यादा है, कम है तो इसमें और कम कर दो, 96 में से 8 और कम कर दो, 94 में से ये 6 और कम कर दो, ठीक है, जितना कम है उतना और कम करना है। फिर इसका जो विचलन था इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो 94 में से 6 कम कर दो तो ये 2 इधर और चला गया, 90 में से 2 और कम गया तो ये बन गया 88, और बाएं तरफ ये हो गया, और ये दाहिने तरफ कितना आ गया, 6×6=36। अब इसको इकट्ठा कर दीजिए तो ये 94 का जो वर्ग निकल रहा है हमारा, ये इधर है 88 और ये 36, दोनों को चिपका दिया जाता, ये तो हमारा हल होगा। अब ये सही है या गलत, जांच भी करके देख लेते हैं। तो संख्या का बीजांक, फिर उसका वर्ग करके फिर बीजांक का वर्ग करेंगे, ठीक है, उसका बीजांक निकालेंगे। तो संख्या कितनी थी, 94, तो ये रहा हमारा 94 का बीजांक। बीजांक 94 को कैसे लिखेंगे, बीजांक ऐसे निकालते हैं, और उत्तर, उत्तर भी कितना है, 8×8=36, तो 8×8=3×6 हम पहली लाइन पे लिख लेते हैं, ठीक है जी, बस समझ पा रहे हैं। तो 9×4=13, अब थोड़ा दूर दूर लिखिए क्योंकि यहाँ पे भी सीधे हम वो करेंगे, तो इसका वर्ग यानी 1×3 आ गया, 9×4=13, लेकिन 13 को ऐसे लिखेंगे हम। अब इसको भी देख लीजिए, 8×8=16, 16×16=3, 19×19=6, 9×6=15, 25, यानी ऐसा लिखेंगे, लेकिन अभी ये भी जांग के रूप में जा रहा है तो इसको अभी ऐसे लिखेंगे। तो 1 और 3 का बना 4, यानी इसका बन गया 4 का वर्ग अर्थात, और ये इधर आ गया 5×2=7, ये तो बीजांक बन गया, अब ये बीजांक नहीं बना, तो 4 का वर्ग होगा 16, 16 का मतलब हो गया 1×7, ये 7 तो पक्का है, 6 और 1=7 आता है, और 7 और 7 ये 7, तो ये जो है हमारा इसका वर्ग का बीजांक निकला, दोनों के ये 7 बराबर है, इसका मतलब ये सही है। 3 अंक वाला लेते हैं, 102 का, इसको उड़ाते हैं और ये विचलन वगैरह बाकी लिख ले रहते हैं, ये जितना जरूरत है उसको बचा लेते हैं। तो ये रहा, अब लीजिए, एक सौ दो को लेते हैं, ये हो गया, ये इसको लेते हैं, तो 102 का वर्ग, ठीक है, यहां पर आधार बिल्कुल ठीक है, और विचलन कितना हो रहा है, विचलन बदल रहा है, तो विचलन हम यहाँ बदल देते हैं, क्योंकि 100 से कितना ज्यादा है, 2, तो संख्या धन में आ गई, ठीक है। तो अब ये इसका करेंगे हल, 100 का वर्ग ये हो जाएगा, जैसा 100 नहीं 102 का वर्ग, 102 का संख्या, वर्ग नहीं संख्या, संख्या के साथ उसका विचलन, विचलन कितना था, 2 था, तो यहाँ 2 लगा देंगे, और विचलन का वर्ग, ये विचलन का वर्ग निकला, ठीक। अब इसका मतलब 102 में 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 104, और विचलन का वर्ग 2×2=4, तो ये बन जाएगा 104, और हाँ
यहाँ पर ध्यान देना है, दो दूनी चार तो बना, लेकिन यहाँ पर शून्य लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि आधार पर दो शून्य है, तो 100 2 2 4 ही बन गया, और दो दूनी चार, ये शून्य चार लिखेंगे, तो 100 4 और फिर ये शून्य चार, इसका मतलब हो गया 102 का वर्ग जो निकलेगा वो 104 और शून्य चार और, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,404 ये बना। अब जांच भी कर लीजिए, तो संख्या का बीजांक यानी कि 1 धन 0 धन 2 का वर्ग का बीजांक बराबर इसका बीजांक, यानी 104 0 4 का बीजांक, ये समझ रहे हैं? तो ये कितना हो गया, 1 और 2 3, इनका मतलब हो गया 3 का वर्ग, और इसको जोड़ दीजिए 1 धन 4 धन 4, शून्य को जोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो शून्य पर ही लिख रहे हैं, 3 का वर्ग अर्थात 9, ये सीधे सीधे बीजांक में उतर गया। इधर देखिए 4 4 8 1 9, ये भी सीधे सीधे बीजांक में आ गया, बीजांक में आ गया, इसका मतलब दोनों बीजांक बराबर है, तो ये हमारा हल सही हो गया। 104 का निकाल लीजिए, तो इतना उड़ाते हैं और इसको भी उड़ा दीजिए, ये बदल जाएगा। चलिए 104 को लेते हैं, तो 104 का वर्ग अर्थात आधार 100, विचलन कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4, 104 का बन जाएगा 104, तो ये है ही, और कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, और 4 का वर्ग, ठीक, तो 104 में 4 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 108, बाएं तरफ दाहिने तरफ 4 4 16, 2 अंक है, 2 शून्य बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब आंसर लिखेंगे, तो 104 का वर्ग बराबर 108, तो ये रहेगा और 1 और 6 और आ जाएगा, ये इसका जवाब हुआ। अब सही है या नहीं है जांच कर लेते हैं, तो जांच करने का तरीका, संख्या का बीजांक, संख्या कितनी हमारी 104, तो 1 धन 0 धन 4 का वर्ग बराबर उत्तर, यानी ये वाले अंक का, यानी 108 और 1 और 6 10,816, ये अब इनका बीजांक निकाल ली, तो 4 और 1 5, ये आ गया 5 का वर्ग, इसका बीजांक निकालना है, इसको पहले कर लेते हैं, 1 धन 8 धन 1 धन 6, देखिए शून्य इस बार बार नहीं लिख रहे, क्योंकि शून्य का किसी संख्या में जोड़ वही रहता है, इसलिए शून्य नहीं लिख रहे हैं, तो 2 और 5 का 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और 25 पर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, 6 और 1 7 7 और 8 15 15 और 1 16, यानी 8 1 9 और 10 6 16, यानी 16 16 ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब ये एक, इसका भी बीजांक निकालना पड़ेगा, जब एक अंक से ज्यादा अंक आते हैं तो उनका बीजांक निकाला जाता है, तो 5 और 2 7 और 6 और 1 7 अर्थात दोनों का बीजांक बराबर है, इसका मतलब ये हमारा जवाब सही है। अब बचा एक और, उसको भी उठाते हैं, 106 का, तो इसको उड़ाइए और इसको लेते हैं 106, कर लीजिए 106, इसको हटा दीजिए, विचलन कितना आएगा देखते हैं, ये आ गया 106 का वर्ग, तो आधार कितना है 100, ठीक है, विचलन कितना है 6, यहाँ पर 6 लगा दीजिए, तो संख्या का वर्ग यानी 106, संख्या यानी 106 प्लस विचलन ज़्यादा में है तो 6 और जोड़ दीजिए, और ये दाहिने तरफ कितना हो जाएगा 6 का वर्ग, बस, तो 106 में 6 जोड़ देंगे तो आ जाता है 112 बाएं तरफ, और 6 का वर्ग होता है 6 6 36, इसका मतलब ये हो गया कि 106 का जो वर्ग हमारा निकलेगा वो आएगा 112 और 36, यानी 11,236। अब ये सही है कि नहीं इससे जांच कर लीजिए, तो बीजांक, संख्या का बीजांक कितना है, यहाँ पर है 1 धन 0 धन 6 का वर्ग, इसका वर्ग का बीजांक निकालना है, ठीक है ना,
फिर उत्तर, उत्तर में है 112 और 36, इसका बीजांक निकालना है। तो ये 6 और 1 7, यानी 7 के वर्ग का बीजांक बराबर 1 धन 1 धन 2 धन 3 धन 6 का बीजांक, तो 7 7 49, 4 धन 9 लिखेंगे। 49 मतलब 2 अंक है, इसलिए 1 अंक लिखना पड़ बनाना है। तो जब तक उनको ऐसे ही जोड़ते जाएंगे बीजांक बनाने के लिए। तो 6 3 9 2 11 1 12 और 1 13, 13 को हम कैसे लिखेंगे, 1 धन 3 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि जब तक 2 अंक है उनके बीच में हमें धन लगा लगा के निकालना पड़ेगा। 9 4 13, तो ये भी एक बन गया अभी भी 2 अंकों में, और 3 1 4, ये तो 1 अंक में आ गया, और 3 1 4, ये 1 अंक में आ गया। 1 अंक में आने पर ही वो कहलाता है बीजांक, और दोनों के अंक बराबर हैं, यानी बीजांक बराबर है, तो ये हमारा हल सही है। अब बाकी बचे और उठाते हैं, तब लेते हैं 109, छठवा, ये 10वां नंबर। तो 109 का वर्ग लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले संख्या यानी 109, तो सर आधार कितना है 100, विचलन कितना है यहाँ पे 100 से, ये कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो यहाँ लिख लीजिए 9, ये 9 ज्यादा है, तो 9 इसमें विचलन आ जाएगा, और दूसरी तरफ आ जाएगा विचलन का वर्ग, अर्थात 9 का वर्ग। आसान है, तो 109 में से 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18, यानी 118 आ गया, 9 का विचलन 81। तो इधर करेंगे तो कितना हो गया, इसको इसको इकट्ठा कर दीजिए, 118 और 81 और चिपका दीजिए, और ये कितना आ जाता है 109 का वर्ग। ये हमारा इसका तो निकला गया वर्ग। अब इधर देखिए, इसका जांच भी कर लीजिए, तो संख्या का भी जांच, संख्या आप वैसे ही हम सीधे लिखेंगे 1 धन 0 धन 9 का वर्ग, का बीजांक का वर्ग बराबर उत्तर, उत्तर में कितना है 1 1 8 और अगेन 8 और 1, इनका बीजांक निकालिए। तो 9 और 1 कितना होता है, 9 और 1 10, यानी कि ऐसा 10 को ऐसा लिखेंगे, जब तक एक अंक नहीं आ जाता है तब हम इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है, 9 और 1 10 का, सॉरी 9 और 1 10, ठीक है ना, 9 और 1 10, 10 का वर्ग ऐसा आएगा, 10 दा, हम अभी इसका वर्ग लिखना है, और इधर कितना लिखना है 1 धन 1 धन 8 धन 8 धन 1। अब इसको जोड़ लीजिए, 10 का वर्ग कितना है 100, 100 में ऐसा आएगा, ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे, तो 1 का वर्ग आएगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। इसको देख लीजिए, 1 1 2 8 10 8 18 1 19, यानी 1 धन 9, ठीक है, और 1 धन 9 कितना होता है 10, ऐसा लिखना है। अब 1 धन 0 0 का मतलब 1 निकला, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि हमको 1 अंक में बदलना है। इसका मतलब ये बीजांक सही है, तो इसका मतलब इसका जवाब भी सही है। अब लेते हैं 111, सारे प्रश्न ऐसे ही हैं, बिल्कुल आसान है, तो इसको ऐसे लिखिए, ये हो जाएगा 11। तो 111 का वर्ग कैसे निकालेंगे, आधार 100, विचलन यहां पर हो जाएगा 11, तो ये बन गया 111 संख्या, और ये ज्यादा है तो ये में ज्यादा और जुड़ जाएगा, और दाहिने तरफ हो जाएगा 11 का वर्ग। तो इसको जोड़ दीजिए, तो 1 1 2 1 1 2 और 1, इधर कितना है 11 11 होता है 121, ये तो हम याद कर चुके हैं कई बार करते करते, लेकिन आधार अभी यहां पर 2 0, तो ये 1 उधर उठ के इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 2 2 में ये 1 इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 21, इसका मतलब आ गया 1 2 2 और 1, ये 3 और 2 1, और इधर आ जाएगा 111 का वर्ग। तो इसका जो वर्ग आया ये आ गया 1 2 3 2 1। अब सही है या नहीं, तो बीजांक बना लीजिए। बीजांक कैसे बनेंगे, 111 को कैसे लिखेंगे, ऐसे इसके वर्ग, बीजांक का वर्ग, इसका आंसर कितना है 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, तो 1 धन 1 धन 1 अर्थात 3 का वर्ग, 1 1 2 3, ठीक है।
अभी इसको कैसे लिखेंगे, एक धन दो धन तीन धन दो धन एक, तीन त्रिकाई नौ, इसका बीजांक एक अंक में आ गया, अब इधर कोई फर्क नहीं पड़ना। तो एक दो तीन, तीन छः दो आठ एक नौ, ये भी एक अंक में आ गया, ये बीजांक बराबर हो गया, इसका मतलब ये उत्तर सही हो गया। लेते हैं चार अंक वाला, तो ये उड़ाइए और इधर भी उड़ा दीजिए। तो अब ये हो गया, ये हो गया, ये वाला लीजिए, 1002 का वर्ग अर्थात अब आधार 100 की जगह कितना हो गया है हमारा, 1000 हो गया, क्यों, क्योंकि 1000 के नजदीक चलेगा, विचलन सुधार लीजिए। तो संख्या, संख्या कितनी है, चार अंक में 1002, ज्यादा कितना है 1000 से ज्यादा, आधार से दो ज्यादा है, तो ये दो जुड़ गया और इसका वर्ग अर्थात विचलन का वर्ग, तो क्या लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 100024, इतना तो ये बाएं तरफ आ गया, दाहिने तरफ 224। अब ध्यान ये रखना है, विचलन में 3 शून्य है तो इसको 3 अंक में बदल देना है, तो 3 अंक बदलने के लिए इसमें 2 शून्य और लगा दीजिए, तो ये 3 अंक में बदल गया, दाहिने तरफ नहीं लगते, हमेशा बाएं तरफ ही लगते हैं, तभी संख्या 4 कहलाएगी, अगर उधर लगा देंगे तो 400 बन जाएगा, फिर अर्थ अनर्थ हो जाएगा। इसका मतलब हो गया, एक के बाद ये 200 के बाद 4, फिर 200 के बाद 4, अर्थात ये 102 का, 1002 का वर्ग और उसका वर्ग लिया गया। अब ये सही है कि नहीं जांच करते हैं, तो बीजांक का वर्ग संख्या यानी 1 धन 0 धन 0 धन 2 का वर्ग बराबर इधर वाले का बीजांक, 1 2 0 4, फिर 2 0 और 4। अब देखिए बार बार हम शून्य वाला हिस्सा जोड़ेंगे नहीं, तो 1 और 2 3 यानी 3 का वर्ग, और इधर भी जोड़ दीजिए, 1 धन 4 धन 4, शून्य से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो 3 का वर्ग होता है 9, संख्या 1 में आ गई और 4 8 9, ये भी 1 में आ गया, यानी बीजांक में ही सीधे पहुंच गए, दोनों के बीजांक बराबर, इसका मतलब इसका जवाब सही। अब लेते हैं 1004 को, तो इसको क्या करेंगे, इसको बदल देते हैं, ये भर बदल देंगे और इधर इधर क्या बदल देते हैं, इधर पूरा बदल देते हैं और ये विचलन बदल जाएगा। ये लीजिए 1004, 1004 का वर्ग, ये 12वां है नंबर, कौन सा है, 13वां है नंबर, तो 1004 इन संख्या यानी कि हो जाएगी 1004, इसका विचलन कितना आ जाएगा, 1000 से 4 ज्यादा है, तो 4 और जोड़ दीजिए और 4 का वर्ग कर दीजिए, ये विचलन का वर्ग हो गया, ठीक, तो ये बन गया 1008, 4 चौके 16, 16 तो बना, लेकिन अंक कितने चाहिए हमको, 3 बनाने हैं, तो यहाँ पर शून्य लगाइए, बस इतना ही करना है, और तो ये क्या हो गया, ये इधर लिखेंगे 1004 और इसका वर्ग, ठीक है, और इधर करिए तो 1008 01 6, ये हमारा इसका वर्ग आया। अब सही है या गलत चेक कर लो, तो यहाँ पर ये 4 बढ़ रहा है और इसका वर्ग, और इधर का भी जानते हैं, यानी 1 2 0 फिर 8 फिर 1 0 1 और 6, ये है, ठीक है, तो 4 और 1 5, यानी कि इधर आ जाएगा 5 का वर्ग और इधर आ जाएगा 1 8 1 6, 1 धन 8 धन 1 धन 6, 5 का वर्ग 25 अर्थात 2 अंक में है अभी भी, तो 2 अंक का वर्ग का मतलब हो गया ये 5 2 7, ठीक है, इसका वर्ग का बीजांक, तो अब इसको चाहे हटा भी दीजिए क्योंकि अब वर्ग तो हो चुका, तो इधर लिख लीजिए 6 और 1 7 8 15 1 16, ये 1 धन 2 अंक में ये भी आ रहा है अभी, तो ये 7 6 और 1 7, ये देखिए बीजांक बराबर, बीजांक बराबर, इसका मतलब ये इसका जवाब सही। अब एक और बचा, उसको भी लेते हैं, तो इसको उड़ाइए और इसको भी उड़ाइए, ये बचा है 1025,
चौदहवा नंबर है, 1025 का वर्ग। तो संख्या आधार तो वही है, 1000 ही विचलन बदल जाएगा, विचलन हो जाएगा। अब की बार कितना है, आखिरी 5 है, नहीं नहीं 1000 से कितना ज्यादा है, 1000 से 25 ज्यादा है। अब की बार ध्यान रखना है, एक अंक में नहीं है। क्यों? क्योंकि आधार से कितना कम या ज्यादा है ये लेना पड़ता है। वहां तो एक एक अंक में थे, यहाँ पर दो अंक में ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहाँ गफलत नहीं करिएगा। 5 नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि 1000 आधार से जितना ज्यादा या कम है उसको लिखा जाता है। तो शुरू करते हैं, आधार संख्या यानी 1025, आधार से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, और इसी 25 का वर्ग। तो 1025 में 25 जोड़ गया तो 1000, और ये 25 बन गया 50, और ये 25 हो जाता है 625। इसका तो वर्ग होता है, 8 हो गया होगा अब तक में। तो ये बन गया 1050625, ये बिल्कुल इसका वर्ग निकल आया। और इधर लिखेंगे 1025 यानी इसका वर्ग, और ये इसका वर्ग, वर्ग का मान। अब सही है कि नहीं, तो शुरू करते हैं संख्या का बीजांक। संख्या का बीजांक कितना है, 1 ÷ 0 ÷ 2 ÷ 5 का वर्ग का बीजांक, ठीक है ना। अब इसका बीजांक बराबर इधर वाले का बीजांक, इधर वाला कितना है, 1050625, इसका बीजांक निकाल लीजिए। तो पहले इसको बना लीजिए, 5 ÷ 2 ÷ 7 ÷ 1 ÷ 8, 5 ÷ 2 ÷ 7 ÷ 1 ÷ 8, यानी इधर के वर्ग का बीजांक बराबर इधर का बीजांक। तो 1 ÷ 5 ÷ 6 ÷ 2 ÷ 5, शून्य की जरूरत नहीं है क्योंकि शून्य का मान अपरिवर्तित रहता है। तो 8 × 64 ÷ 64 को कैसे लिखेंगे, 6 ÷ 4 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और 6 ÷ 4 कितना होता है, 10, अभी भी ये ऐसा आएगा क्योंकि दो अंक में है, 6 ÷ 4 ÷ 10 एक ऐसा, और 1 और 0 का मतलब हो गया इसका मान 1 आ गया। इस इधर भी देख लीजिए, तो 5 ÷ 2 ÷ 7 ÷ 6 ÷ 13 ÷ 13 ÷ 5 ÷ 18 ÷ 1 ÷ 19, यानी 19 ये दो अंक में है। अभी फिर से बनाइए, 9 ÷ 1 ÷ 10 एक अंक में है, दो अंक में अभी भी है, तो दो अंक से बनेगा एक अंक, दोनों के अंक ये बीजांक बराबर है, इसका मतलब जवाब सही है। ये सूत्र हमारा पूरा होता है।